Hello my dear students and friends, this is Computer Concepts E K Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है आईपी का जो कि कल हुआ है सेट 4 पेपर कोड 090 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस इसकी थोड़ी इसके बारे में, इसके आंसर की के बारे में, इसके एनालिसिस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और देखते हैं इसकी आंसर की क्या है और इसमें इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या कमियां रही हैं लोगों की ओपिनियन के हिसाब से, हमारे दोस्तों के जो टीचर्स हैं उनके ओपिनियन के हिसाब से इसमें क्या लेकुनाज थे, क्या कमियां थी और कहाँ पर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने पेपर को करते करते। हालांकि कुल मिलाकर के ऑन एंड एवरेज ये एक मॉडरेट और बैलेंस पेपर माना जाएगा जिसमें कमज़ोर बच्चों के लिए भी और तेज़ बच्चों के लिए, सभी के लिए गुंजाइश थी। कमज़ोर बच्चे आसानी से स्कोर पासिंग स्कोर ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। जैसे सेक्शन ए में आपने सुना देखा होगा कि 25 क्वेश्चन में से ओनली 20 क्वेश्चंस करने थे और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन का चॉइस हमें मिला हुआ था और क्वेश्चन सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन का चॉइस मिला हुआ था। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मिला करके इसे एडजस्टमेंट किया जा सकता था, लेकिन फिर भी सीबीएसई की तरफ से कई क्वेश्चन जो इस पेपर में थे वो मिस्टेक तो थी, एरर थी। अब देखते हैं सीबीएसई का क्या डिसीजन होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी आईपी और के टीचर्स से अनुरोध करूंगा कि वो अपना फीडबैक सीबीएसई को ज़रूर दें, एक दूसरे के भरोसे ना बैठें और फीडबैक ज़रूर भेजें सीबीएसई को कि कहाँ कहाँ पर इसमें त्रुटियाँ रही हैं, कहाँ कहाँ एरर रही हैं और कहाँ कहाँ बच्चों को मार्क्स मिलना चाहिए। तो विदाउट एनी डिले लेट अस सी द क्वेश्चन पेपर एंड डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यहाँ पर देखें सेक्शन ए स्टार्ट होता है, ये स्कैन करके पेपर किसी हमारे टीचर साहिबान ने डाला था तो मैंने उसी को ले लिया है। पहला क्वेश्चन इसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, can't change the index of the series, we can easily convert list, tuple and dictionary into series, or a series represents a single column in memory, we can create empty series. तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका सही होना चाहिए ए पार्ट, क्योंकि इसमें इंडेक्स हम लोग चेंज कर सकते हैं सीरीज का, तो दिस शुड बी द करेक्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपने देखा है अगर इंडेक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट एंड नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैच, इन दैट केस इट क्रिएट्स वैल्यू एरर, तो इसका 2 का भी ए होना चाहिए। विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर पाइथन पैकेज NumPy। यहाँ पर मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा सीबीएसई से कि जो न्यूमेरिकल पाइथन था 11th में टीचर्स ने जो है इस पर मैक्सिमम फोकस नहीं किया था, क्योंकि 11th के सिलेबस से ये रिड्यूस्ड था NumPy और 12th में भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया NumPy पर टीचर्स के द्वारा, जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने दोस्तों को। तो इसलिए ये क्वेश्चन सीबीएसई को नहीं देना चाहिए था, इसे हम लोग आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं, ठीक है। फिर भी तीसरे क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, इट इज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, डी पार्ट होना चाहिए। जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग पैकेज है NumPy। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट डिस्कस ऑल सॉल्यूशंस बिकॉज इट विल टेक लॉन्ग एंड इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम इन दिस वीडियो, ओके। सो लेट अस फोकस ऑन द आंसर्स। The data of CSV file can be shown in which of the following software, और आप कहीं भी दिखा सकते हैं, MS Word में खोल सकते हो, स्प्रेडशीट में, नोटपैड में। So all of the above is the right answer for fourth question. After that, which Python library is not used for data science ओके ठीक है एंटर, इसका आंसर साफ साफ है। बाकी लाइब्रेरीज डेटा साइंस के लिए यूज़ होती हैं। विच मेथड इज़ यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम डेटा फ्रेम, ऑब्वियसली रिमूव नहीं है, डेल नहीं, डिलीट नहीं है, तो 6 का ए होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन पेज नंबर 3 तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट देखिए कंसीडर, 7वां क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग कोड, इम्पोर्ट numpy as np, pandas as pd। एक्चुअली pandas में numpy का रेफरेंस तो आता है कई जगह, इसलिए टीचर्स ने पढ़ाया था लेकिन उतना फोकस नहीं किया था कि numpy से सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर np डॉट एरे, ये क्वेश्चन जो numpy का है, एरे क्रिएट करना, बच्चों को आता है नहीं आता है, किस लेवल से टीचर ने पढ़ाया हुआ है, तो ये डिपेंड करता है। इसलिए हो सकता है कि बच्चे कहीं कंफ्यूज हुए हों numpy पर इन क्वेश्चंस को देख करके। तो ये 7वां क्वेश्चन भी जो ये न्यूमेरिक पाई का यूज़ हुआ है, न्यूमेरिकल पाइथन का, और यहाँ पर ये एरे बनाई गई है और एरे से सीरीज़ बनाई गई है। हालांकि हम सीरीज़ पढ़ाते समय हम लोग बताते हैं कि एरे से सीरीज़ कैसे बनाया जाए, फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है डिस्ट्रैक्ट किया हो बच्चों को। x इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, और यहाँ पर हमारा डाटा आना चाहिए। कैसा डाटा होना चाहिए जिसका आउटपुट ये आए 0, 10, 1000, 1, 8000, और ये आना चाहिए। आपको डाटा में क्या डालना है, यहाँ से उठाना है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए L की पावर 3। सीरीज़ जो है वो वेक्टर ऑपरेशन, एरे भी वेक्टर ऑपरेशन अलाउ करता है, तो यहाँ पर L पावर 3 का मतलब हुआ 10 पावर 3, 1000, 20 पावर 3, 8000, एंड दिस विल बी टेकन एज डाटा टू क्रिएट द सीरीज, एंड देन सीरीज विल क्रिएट एंड विल डिस्प्ले लाइक दिस इफ वी प्रिंट द सीरीज x। ओके, सो इसका बी पार्ट सही होना चाहिए। 8th क्वेश्चन में देखें, विच लाइब्रेरी इज इम्पोर्टेड टू ड्रॉ चार्ट्स इन पाइथन। ये सिंपल आंसर था सभी बच्चों के लिए, ये था आंसर और सही हुआ होगा, 8th का बी पार्ट। 9th में आइए, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव द सेम आउटपुट एज df अपॉन df1। एक डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम से डिवाइड करें, बाइनरी ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम। तो इसके लिए क्या कोई फंक्शन अवेलेबल है या नहीं, df डॉट div df1, तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर 9th A। 10th क्वेश्चन का जहाँ तक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पार्ट जो है इसका गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 2 डायमेंशनल साइज इज म्यूटेबल, ठीक है। कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम, ये भी ठीक है। होमोजेनियस टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर तो गलत है। क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम numpy एरे, ठीक है, हो सकता है, तो फिर से numpy एरे से ये बनवा रहा है। ऐसा लगता है पेपर सेटर को numpy एरे काफ़ी अच्छी तरह से पता है और वो टेस्ट करना चाहता था। 11th क्वेश्चन देखें। 11th क्वेश्चन में विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट यूज्ड विद डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में साइज, एम्प्टी, कॉलम्स, ये तो एट्रीब्यूट है। टाइप तो एट्रीब्यूट भी नहीं है, टाइप तो एक फंक्शन है। तो 11 का बी पार्ट जो है वो इस के हिसाब से सही होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, 12th क्वेश्चन। विद द आउटसेट ऑफ COVID-19 स्कूल स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस, बट ड्यू टू कंटिन्यूस ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स हेल्थ issues also started. Health practitioner advised the patients to follow a few health tips. Which of the following health tips should not be suggested? The sitting posture should be correct. ये तो ठीक है भाई। Breaks should be taken in between the online classes. Exactly correct. To protect the eyes, the gazettes should be placed above eye level. ये गलत है। Wash the eyes regularly correct है। इसका सी पार्ट आपको साफ साफ दिख रहा है। आँखों के लेवल से अपने गजेट्स को ऊपर क्यों रखा जाए, उससे गर्दन दर्द होगी और सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए द फॉलोइंग ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू द क्रिएटर ऑफ ओनर ऑफ एनी इन्वेंशन, किसी भी इन्वेंशन के लिए ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है क्रिएटर को। तो पेटेंट तो इन्वेंशन वगैरह के लिए होता है, ट्रेडमार्क लाइसेंस नहीं, ये कॉपीराइट है। कॉपीराइट ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है जिसने ओरिजिनल क्रिएटर को, कोई ओरिजिनल पोएम लिख रहा है या कोई राइटअप लिख रहा है या कुछ इस तरह का। फोर्थ क्वेश्चन, हिमांशी सेट्स अप हर ओन कंपनी टू सेल हर ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन शी यूज टू शो दैट द क्लोथ्स आर मेड बाय हिज कंपनी। बाय हर कंपनी होना चाहिए, हिमांशी फीमेल है, हर कंपनी। तो पेटेंट्स आएगा कि कॉपीराइट आएगा कि डिज़ाइन आएगा कि ट्रेडमार्क आएगा। ऑब्वियसली कंपनी का ट्रेडमार्क आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, ये इस तरह से 14th क्वेश्चन का डी पार्ट सही होना चाहिए। और ये सिंपल सा फुल फॉर्म पूछा गया है जीपीएल का, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ई वेस्ट इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंट हैजार्ड्स इन द वर्ल्ड टुडे। इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड और डिस्पोज्ड ऑफ, इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स। देयरफॉर The dash has issued a formal set of guidelines for proper handling and disposal of e-waste। देखिए मैं ये सारे आंसर्स अपने हिसाब से कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन लगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सजेशन और सुझाव दे सकते हैं इस वीडियो के। तो 16th क्वेश्चन का जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको साफ साफ ये पार्ट जो है नज़र आ रहा होगा। एक इसमें एक्ट भी लाया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए 2018 में, कोई आप इसे नेट से जाके देख सकते हैं। 17th क्वेश्चन, व्हेन वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज द कॉलम लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय द। अब यहाँ ये यूनियन इंटरसेक्शन जैसी चीज़ बच्चों को पढ़ाई नहीं गई थी, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों का डिस्ट्रैक्शन हुआ हो, यूनियन क्या है इंटरसेक्शन क्या है। और जो साइंस और मैथ्स के बच्चे कभी यूनियन इंटरसेक्शन सेट थ्योरी में पढ़े होंगे तो हो सकता है उनके माइंड में आ गया हो, तो आ गया हो, अदरवाइज़ यहाँ थोड़ा सा बच्चे विचलित हो सकते थे। तो 17th का जो है वो यूनियन ऑफ कीज़ ऑफ डिक्शनरीज जो हैं वो कॉलम लेवल्स बन जाते हैं, यानी कि सभी कीज़ जो डिक्शनरी की हैं वो कॉलम लेवल बन जाए, मतलब उनका कॉम्बिनेशन। यूनियन का मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन से है बेटा, और यूनियन ऑपरेटर होता है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है एसक्यूएल में। और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को अच्छी तरह से ये पता होगा शायद, बट आईपी के बारे में नहीं कह सकता हूँ बच्चों के लिए। तो इसका 17th का ए पार्ट होना चाहिए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए करने के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, टू चेंज द विड्थ ऑफ बार इन द बार चार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स विद द फ्लोट वैल्यू इज यूज्ड। एच विड्थ ब्रेड्थ बार विड्थ, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, विड्थ आर्ग्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप बार की विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। परसेंटेज में होता, पॉइंट्स में देना होता है वैल्यू। 19th क्वेश्चन, अब मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आपने क्वेश्चन कर लिया है, बस मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताते चल रहा हूँ, जहाँ पर कुछ कमियाँ हैं जैसा भी उसे हम लोग देखते चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट फर्स्ट 4 रोज एंड सेकेंड टू 4th कॉलम। फर्स्ट 4 रोज का मतलब क्या हुआ, रो नंबर 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर सब ILOC यूज़ हो रहा है, इसका मतलब पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग काम कर रही है, यहाँ पर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं काम करेगी। सो फर्स्ट 4 रोज का मतलब हो 0, 1, 2, 3, तो यहाँ देखिए कौन सा है 0 से शुरू हो रहा है, ये भी 0 से नहीं शुरू हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये और हो रहा है, सी ऑप्शन। सो 0, 1, 2, 3, 4 एक्सक्लूड हो जाएगा, स्टॉपिंग इंडेक्स है, और सेकंड से लेके 4th कॉलम तक। तो कॉलम हो गया आपका इंडेक्स 1, 2, 3, 4th एक्सक्लूडेड है, तो ये ऑब्वियसली सेकंड से 4th कॉलम हो गया, क्योंकि पहला कॉलम 0 होगा तो आपका पार्ट सी जो है वो सही होना चाहिए 19 में। आइए देख लेते हैं 20th क्वेश्चन क्या है। 20th क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है, ज़्यादातर आप ग्राफिंग, प्लॉटिंग, चार्टिंग करते हैं तो पहली लाइन यही लिखना होता है। तो मुझे लगता है इसे सभी बच्चों ने करेक्ट मार्क किया होगा। Which of the following command is used to import matplotlib for coding? तो import matplotlib.pyplot.splt ही इसका आपका करेक्ट आंसर है, ए पार्ट। नेक्स्ट 21 देखिए, स्टेटमेंट दिया जा रहा है आपको 21 में। क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है? A line chart is a tool for comparison and is created by plotting a series of several points and connecting them with a straight line। ठीक है। You should never use line chart when the chart is in continuous data set। आपको ये line chart नहीं यूज होना चाहिए अगर continuous data set में है तो। 21 का A is correct but B is not correct, B is incorrect। इसका C हो सकता है और A is incorrect, B is नहीं, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। सी पार्ट होना चाहिए इसका आंसर, सी पार्ट। ओके, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके, हेल्प यूजर्स इन एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एग्जैक्टली करेक्ट। नो, डेटा विजुअलाइजेशन में कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल। ओके, नो लाइब्रेरी नीड्स टू बी इम्पोर्टेड, ये आपका गलत। सो 22 का डी पार्ट सही होना चाहिए आपका। ओके, लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करते ही है ना मैटप्लॉटलिब। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। बहुत ज़्यादा इशू था इस क्वेश्चन नंबर 23 का। सभी हमारे दोस्तों से, टीचर साथियों से ये कमेंट आई है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, और गलत है भी। विच एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड विथ सीरीज टू काउंट अ टोटल नंबर ऑफ 9 वैल्यूज? ध्यान से देखें, 9 वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए कौन सा अट्रीब्यूट पूछ रहा है। साइज तो है नहीं, काउंट अट्रीब्यूट होता ही नहीं, काउंट फंक्शन होता है। लेन फंक्शन होता है, लेन कोई अट्रीब्यूट नहीं है। काउंट टोटल कोई फंक्शन अट्रीब्यूट है नहीं। इसमें से तो अट्रीब्यूट इसने कुछ दिया ही नहीं एक साइज़ को छोड़ करके। नंबर 1 पहली गलती है। और ये देखना चाहता था कि नॉन 9 वैल्यूज़ को काउंट कराना चाहता था। नॉन 9 वैल्यूज़ को काउंट फंक्शन से काउंट किया जा सकता है, लेकिन काउंट अट्रीब्यूट से नहीं। कोई काउंट अट्रीब्यूट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने पढ़ा होगा सीरीज में। तो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली रॉन्ग है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके मार्क्स जो है वो बच्चों के खाते में जोड़ने चाहिए। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है, करेक्ट किया है, इनकरेक्ट किया है, जो भी किया है, इसमें ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है, तो बच्चों को इसका मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, राइट। तो इसका मैं कोई भी आंसर मार्क नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सारे आंसर इसके गलत हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सकता है कि काउंट फंक्शन को मार्क किए हों, लेकिन ये काउंट अट्रीब्यूट है नहीं। सो दैट डिपेंड्स। ओके, तो सी पार्ट आप कह सकते हैं, काउंट ही इस तरह का कुछ दिख रहा है जिसके थ्रू काउंटिंग की जा सकती है। तो 9 वैल्यूज़ की काउंटिंग वो भी नहीं की जा सकती है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 23 इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्रॉस लगा देता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ पाइथन, ये आपका है, ये सीरीज दी हुई है, ये डाटा वैल्यू है और ये उसके इंडेक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्ले द ऑड वैल्यूज? ऑड वैल्यूज इसमें से यानी कि 5, 3, 7, इसको डिस्प्ले करने के लिए कोई स्टेटमेंट दिख रहा है आपको? यहाँ से देखिए डाटा, ये तो ब्रैकेट रहेगा नहीं, इसे कैंसिल करो। और ये केवल ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, ये भी कैंसिल करो। मॉड यूज़ नहीं होना है, तो आपका आंसर नंबर डी इसका स्पष्ट दिख रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, 24 का डी। 25 में आ जाते हैं। प्रिया इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड शी इज़ वेरी फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन। वन डे शी गॉट एन अनप्लेजेंट मैसेज ऑन हर इंस्टेंट मैसेंजर, व्हाट डू यू थिंक शी शुड डू? ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में कई बार सब डिस्कस किए हैं, और वहाँ से कई क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं इस पेपर में अगर आप देखेंगे तो, और क्विज़ में भी मैंने डिस्कस किए हैं। तो क्या करना चाहिए उसे? स्टार्ट चैटिंग विद अननोन पर्सन, नो। टॉक टू हर पेरेंट, टीचर्स और अदर ट्रस्टेड अडल्ट्स एंड लेट देम नो that she is feeling uncomfortable. Ignore the conversation. She should delete. No. This is the B part आपको 25 का B करेक्ट होना चाहिए. Let us come to 26th question. 26th में import pandas as PD, इसका आउटपुट पूछ रहा है. import numpy, ठीक है भाई, numpy से ज़्यादा प्यार है. यहाँ d type भी यूज़ कर रहा है, numpy dot int pd dot series data equal to 31, 54, 34 ये सब. print s greater than 50, तो ये आपको true false में रिजल्ट देगा. ये बुलियन एक्सप्रेशन सीरीज का दे रहा है, तो जो 30 से ग्रेटर देन होगा उसमें तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा. तो ट्रू फॉल्स में कोई आंसर यहाँ नहीं दिख रहा है, खाली यहीं पर दिख रहा है और सीरीज पूरी आपकी डिस्प्ले होगी. तो 26 का ए पार्ट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट 50 से, दूसरा एलिमेंट देखिए 50 से ये ग्रेटर है तो यहाँ ट्रू आ रहा है. और यहाँ तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर 89 इज ग्रेटर देन 50, तो ये भी ट्रू आ रहा है. सो दिस इज द ए पार्ट. 27, द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज इंडियाज टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडियाज डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियाज इंफॉर्मेशन IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका, 28वां क्वेश्चन आ गया. 28, ट्रेडमार्क इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, ट्रेडमार्क इज ए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है मुझे. हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क. स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है. तो यहाँ से आप देख लीजिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. इसका पार्ट बी जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 28 का. ठीक है, 29 देखिए आप. 29, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम. ठीक है, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 कैसे आएगा. अगर आप 2 आउटपुट लेना चाहते हैं इस डेटा फ्रेम को देखते हुए, ये एक सीरीज़ है, पहले सीरीज़ क्रिएट की और फिर सीरीज़ से डेटा फ्रेम बनाया गया. डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल शेप होता है, आप जानते हो. तो क्या कमांड लिखी जाए इन चारों में से, सो दैट यू कैन गेट द आउटपुट 2. df डॉट इंडेक्स, df डॉट शेप, शेप तो 2 डायमेंशनल आपको देगा, लिख करके कॉमा से सेपरेट टपल के फॉर्म में देगा तो 2 आएगा नहीं. df डॉट एंडिम, df डॉट वैल्यूज, वैल्यूज से सारी वैल्यूज आने के चांस रहेंगे. तो एंडिम आपका जो है ये नंबर ऑफ डायमेंशन 2 आएगा. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर 29. 30th, संध्या वांट्स to display the last 4 rows of the data frame df and she has written the following command df.tail empty bracket, but the first 5 rows are being displayed. यहाँ पर एग्जामिनर पेपर सेटर ने फर्स्ट लिख दिया, भाई टेल से दोगे तो लास्ट 5 रोज आएंगी. यहाँ उसे स्टेटमेंट में लास्ट लिखना चाहिए था, बच्चों को कंफ्यूज किया है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 30 आपका स्टेटमेंट गलत हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. लेकिन हाँ, थोड़ा ही कमी है इसलिए बच्चों ने शायद इसको रेक्टिफाई कर लिया हो. टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी रिटन. तो आपका df डॉट टेल लिखना चाहिए, ब्रैकेट में 4 उसे लिखना चाहिए था. कोई बच्चा हो सकता है इसमें कुछ भी, तो इस पर हमें जो है लगता है कि हाँ CBSE को पूरे मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 5 रोज लिख करके वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बच्चों को विचलित कर रहा है. और यहाँ पर आप वैसे df डॉट टेल 4, बच्चों को ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया था, तो शायद बच्चों ने किया हो सही. सो 31st क्वेश्चन देखते हैं. 31st क्वेश्चन में देयर इज़ ओनली 1 डे लेफ्ट फॉर रविशा टू सबमिट हर साइंस प्रोजेक्ट, देयरफॉर शी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट हर टास्क. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी कंसिडर्ड एज प्लेगरिज्म. सो कैसे, कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्लेगरिज्म यहाँ पर इंडिकेट करेगी, देखिए आइए देखते हैं. इन दिस क्वेश्चन अभी अगर मैं इसको देखूं तो बी पार्ट इसका बिल्कुल सही है. कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम सम वेबसाइट एंड पेस्टेड इन हर फाइल, दिस इज करेक्ट आंसर. ओके, तो 31st का बी राइट है. 32nd कर लेते हैं, वैसे मैंने मार्क कर रखा है. 32nd का सी पार्ट जो लाइसेंस है ये करेक्ट है. अब थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं करूँगा. और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 33 है क्या? सीक्वेंस यहाँ पर दिख नहीं रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. इट इज़ ऊपर देख लेते हैं. 33 क्वेश्चन नंबर 33 है ये. ठीक है, इसका डी पार्ट राइट है. और 34 का डी, 35 का ए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. 36 का डी बिल्कुल सही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. 37 का सी करेक्ट है. 38 में एलओसी से आप लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही. आईएलओसी कैन नॉट बी यूज विद डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेज, अगर आपने लेवल लगा दिया तो आईएलओसी डिफ़ॉल्ट इंडेक्स के साथ काम नहीं करता, ये गलत है. तो स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स. इसी तरह से अगर मैं ये क्वेश्चन कौन सा था, 38. इफ़ आई टेक क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 में कौन सा पार्ट है? ए पार्ट सही होना चाहिए. डेटा फ्रेम नेम, स्टूडेंट नेम, और ये यहाँ पर स्मॉल डेटा फ्रेम है, नहीं काम करेगा. और pd डॉट डेटा फ्रेम, लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं है तो इसलिए काम नहीं करेगा. और यहाँ pd जो है कैपिटल में लिखा है, सो ए पार्ट इज़ करेक्ट आंसर. और इसमें अगर हम देखें तो कलर रेड जो है ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है बच्चा. इसमें लाइन स्टाइल डैश डॉट हटा, इफ़ वी रिमूव इट, आई मीन डैश डॉट दिया तो डैश डॉट तो है नहीं, सॉलिड लाइन्स हैं इसलिए इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ. मार्कर इक्वल टू स्टार ऐसा होता नहीं है. डैश डॉट यहाँ पर भी लाइन स्टाइल है इसलिए आपका डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर मार्कर स्टार है, मार्कर साइज 10 है. कलर रेड है वो अलग की बात है कि आप यहाँ से देख नहीं सकते हैं, बट डी इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 40. 41st क्वेश्चन में भी फिर भी NumPy आ गया है. यहाँ पर NumPy से एरे बनाया, एरे से डेटा फ्रेम बनाया गया, और डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस ये हैं. तो यहाँ पर कॉलम्स की हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी. कॉलम्स, ये आपका कॉलम्स इक्वल टू दिस, दिस इज़ करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 41 का सी. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसमें आप देखें दो कॉलम आउटपुट में आने चाहिए, नेम और एज, और जबकि 3 कॉलम डिक्शनरी में दिए गए हैं, नेम, TGG और एज. तो आपका ये आंसर सही हो सकता है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 43. 43 में ए पार्ट आपका सही है, ए पार्ट, क्योंकि मैचिंग इंडेक्सेस कैलकुलेट हो जाएंगे. बी और सी दोनों में मैचिंग इंडेक्स हैं, बी और सी, और नॉन मैचिंग में 9 आ जाएगा, उसी से डेटा फ्रेम बन जाएगा आपका. तो जो इंडेक्सेस हैं वही आ जाएंगे, और सीरीज़ S1 + S2 का ये रिजल्ट है आपके सामने. तो ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 43. 44 में अगर हम देखें तो 44 में यहाँ जो इंडेक्स दिया है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ये कैपिटल में दिया हुआ था, स्मॉल में दिया हुआ था, ये कोई कीवर्ड नहीं है. इंडेक्स बुलियन इंडेक्सिंग नहीं होगा, बन सकता है. इंडेक्सेस के लिए हमें T कैपिटल, F स्मॉल, ये T और F ये कैपिटल होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई इसका जो आंसर है, बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 44th क्वेश्चन. 45 का बी पार्ट करेक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, और इसी तरह से ये आपका आइडेंटिटी थेफ्ट में आएगा. 46 क्वेश्चन आइडेंटिटी थेफ्ट है, उसकी दूसरे की ईमेल से, वो ईमेल कर रही है आदिति, अभिलाषा की ईमेल से. और ये ट्रेल्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन यूजेस द इंटरनेट ऑन डिजिटल डिवाइस और लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स एक्सेट्रा. डिजिटल प्रिंट हो गया इसका आंसर, सी पार्ट. 47 का पार्ट सी. Similarly 48 का पार्ट बी, Ubuntu is the FOSS ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री एंड ओपन सोर्स. ये सब प्रोप्राइटरी हैं, ये तीनों विंडोज़, मैक और ओरेकल, आप जानते होंगे. 49 क्वेश्चन का बी पार्ट करेक्ट है. 49 में आप LOC यूज़ कर रहे हैं तो 001:003, यूज़ किया जाएगा. ये आउटपुट आना चाहिए, तो इंडेक्सेस ये हैं इसकी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक. और ऑल कॉलम्स के लिए कॉमा कॉलम लगा हुआ है. सो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन 49. थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लेगा. वैसे सभी बच्चों को पता ही है. अब आ जाते हैं सेक्शन सी में. सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन दिए, इसमें से 5 करना, 1 छोड़ना है आपको. 1 हैश मार्क, हैश टैग कॉलम में लगाना है. सो दिस इज़ द कोडिंग गिवन, और एक ये डेटा फ्रेम बन जाता है. यहाँ पर 50th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये कौन सी कमांड से आएगा. तो df.iloc2, तो iloc2 में आप देखेंगे 012, ये 30 ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकता है, इसलिए उसे नहीं, इग्नोर कर दीजिए. df.loc2, loc2 पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग में 2 है ही नहीं, 10, 20, 30, 40 है, लीव इट. ILOC 20, ILOC में 0123 यूज़ किया जाता है, लीव इट. सो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, df.loc 20. सो 20 वाली लाइन आपकी 20 वाली रो डिस्प्ले होगी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, बट यहाँ पर आउटपुट में रोल नंबर नहीं दिया गया, रोल नंबर 102 यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए था. दिस इज़ नॉट गिवन इन द आउटपुट. सो हो सकता है बच्चे यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हुए हों या विचलित हुए हों, ऐसा हो सकता है, बट डी इज़ द करेक्ट आंसर. 51st क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 51st का जो इसमें कहता है कि सेकंड लास्ट रो का डाटा मार्क्स डिस्प्ले करना है केवल. सेकंड लास्ट रो कौन सी है, यहाँ पर 60 वाली है, तो इसका इंडेक्स 60 है. तो 60 वाले इंडेक्स के लिए ये अप्रोप्रिएट कमांड होगी, बी पार्ट. ओके, सो 51st का बी. 52nd की बात करें तो df.insert, ये आपकी कमांड सही है. इसमें केवल ये स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कॉलम की स्पेलिंग गलत है, इसकी वजह से हो सकता है बच्चा डिस्ट्रैक्ट हुआ हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात थी यहाँ पर 52nd में. CBSE को इसके लिए मार्क्स देना चाहिए बच्चों को, स्पेलिंग मिस्टेक CBSE की तरफ से है और देगा भी CBSE, मुझे ऐसा विश्वास है. हमारे टीचर्स को इसके फीडबैक जो है भेज देना चाहिए एट द अर्लीस्ट. 53 में विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द कॉलम ग्रेड. ग्रेड कॉलम डिलीट करने के लिए ड्रॉप मेथड आपको पहले से ही पता है. ये कॉलम का नाम हो गया, x = 1, इन प्लेस = true. ये पार्ट करेक्ट है. x = 0 रो के लिए होता है. यहाँ x = 1 लिख रहा है, लेकिन ड्रॉप एक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर पैरेंथेसिस रहेगा, ब्रैकेट नहीं रहेगा. डिलीट कोई फंक्शन नहीं है. 54th question, which of the following command would rename column marks to half yearly. अब ये C part इसका correct है. df.rename क्यों नहीं correct है, यहाँ ये square bracket में दिया जा रहा है, list के form में. rename में आपको dictionary के form में renaming की जाती है, आपको पता होगा, rename function के साथ. तो यहाँ comma लगा दिया गया है, तो ये reject हो जाएगा. रीनेम यहाँ पर क्यों रिजेक्ट होगा, ये लिस्ट के फॉर्म में बीच में कॉलम लगा रहा है. और हेयर इज कॉलम्स आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए, कॉलम्स = मार्क्स कॉलम हाफ ईयरली, ये डिक्शनरी के फॉर्म में. इन प्लेस = true ओवरराइट करने के लिए डीएफ में अपडेट हो जाएगा. सी पार्ट इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54. फॉर क्वेश्चन नंबर 55 डी पार्ट इज करेक्ट आंसर. df.loc मार्क्स ग्रेटर देन ये लिखा हुआ है, बट LOC के साथ मार्क्स डायरेक्ट सिंगल कोट में नहीं आ सकता है, या तो df.marks लिखिए या df.of marks लिखिए. df.loc df.of marks यहाँ लिखा है, लेकिन लेस देन लगा दिया है, गलत है ये. df.loc df.of marks लिखा है, यहाँ भी लेस देन लग गया है, ये भी गलत है. डी पार्ट इज करेक्ट, df.of marks ग्रेटर देन 80 कंडीशन हो गई, कॉमा उसके बाद कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ये गिवन है. तो 55 का डी पार्ट करेक्ट हो गया. इस तरह से आपने ये पेपर देखा कि कौन से पार्ट करेक्ट हैं और कहाँ पर एरर है और कहाँ पर टाइपिंग एरर है कहाँ पर कुछ आउटपुट में मिस हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 के कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो ये सारा फीडबैक हमारे टीचर्स को चाहिए कि CBSE को यथाशीघ्र भेज दे, जिससे कि बच्चों को उसके अगेंस्ट मार्क्स मिल सके। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमने इसकी जो डिक्शनरी है, इसकी जो आंसर की है वो हमने बना रखी है, और आंसर की आपको मिल जाएगी। यहाँ से आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सेल में आंसर की हमने बना दी है, यहाँ से आपको ये फाइल में अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा। सेम आंसर्स मुझे लगता है कि ये आंसर करेक्ट होने चाहिए जो अभी ये फाइनली हमने अपने टीचर्स के जो फीडबैक आए हमारे पास उसके बाद मैंने ये आंसर की बनाई है आपके लिए। तो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट वन। ये 23rd क्वेश्चन तो बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें जो NumPy वाले कई क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चों को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज पैंडास जब हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं NumPy का रेफरेंस देना ही पड़ता है, और कई टीचर्स उसे पढ़ाते भी हैं। फिर भी NumPy पर ज़्यादा जोर दिया गया पेपर में, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा बच्चों के लिए। बच्चों के स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं था। अदरवाइज इट इज़ ओके। पेपर तो बैलेंस था, मॉडरेट था, सभी के लिए अच्छे मार्क्स लेने के चांस तो थे। 2-4 क्वेश्चन थे ऐसे, तो वो उतने हमें ऑप्शंस भी मिलते हैं कि भाई सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन छोड़ना है, तो वो एडजस्ट किया जा सकता था। इवन देन जो मिस्टेक है CBSE की तरफ से, वो मिस्टेक है और उसे कंसीडर करना चाहिए और उसके लिए बच्चों को मार्क्स मिलना चाहिए। मेरा जहाँ तक अपना व्यू है, अपनी राय है। और आने वाले रिजल्ट के लिए मैं बच्चों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और अब टर्म 2 के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अपनी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइलें बना लीजिए और आगे का सिलेबस आप स्टार्ट कर दीजिए। और मैं समय समय पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देता रहूँगा, मेहनत करूँगा आपके साथ साथ। और वीडियो पर समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें इसकी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।